खरगोन जिले के कसरावाद विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा नदी किनारे बसे गांवों में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश और नर्मदा की बाढ़ से भारी तबाही हुई है। बाढ़ से जलमग्न हुए गांवों में लोग बेघर हो गए हैं। खल बुजुर्ग गांव के ग्रामीणों ने विपदा की इस घड़ी में किसी भी प्रकार की सरकारी मदद नहीं मिलने से आक्रोशित होकर आज रविवार को राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 मुंबई आगरा मार्ग पर पुलिस चौकी और हनुमान मंदिर के बीच ग्राम खलटाका में महिलाओं और बच्चों के साथ लगातार 3 घंटे तक चक्का जाम किया। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री रहे विधायक सचिन यादव भी खल बुजुर्ग वासियों के साथ इस आंदोलन में शामिल हुए और धरने पर भी बैठे। खल बुजुर्ग वासी राजेंद्र सिंह चौहान और हिम्मत सिंह पटेल ने विधायक सचिन यादव को बताया कि हमारे गांव के लोग नर्मदा की बाढ़ से घिरे पड़े थे, देखते ही देखते बाढ़ में उनका सब कुछ बह गया और वो बेघर हो गए। विधायक सचिन यादव ने SDM अग्रिम कुमार से मौके पर चर्चा कर उन्हें ग्रामीणों से रूबरू करवाया और उनकी पीड़ा बताई। इसके बाद विधायक ने ग्रामीणों के साथ SDM अग्रिम कुमार को तबाही का मंजर दिखाया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। क्या हुआ आपके यहाँ? वो तो बैठिया भी नहीं है, वो तो सब घर में पानी भरा गया है, सब दीवार उधड़ी है, पूरा मकान टूट गया आपका? पूरा मकान टूट गया। अच्छा, कोई जनहानि तो नहीं हुई ना अभी? कोई नुकसान नहीं? ऐसा दूसरा सामान का नुकसान हो गया है? क्या क्या नुकसान हुआ आपका? खाने पीने का सामान भी गया? ये हम लोग, मैं धरना स्थल पे पहुंचा हूँ, ये सब हमारी महिलाओं से सभी साथी चर्चा हुई है। यहाँ सबसे बड़ा जो एक नाराजगी का कारण है, कायदे आए दिन जो है यहाँ लोगों से अभद्र व्यवहार करता है और इसकी एक नहीं अनेकों शिकायतें जो है यहाँ पर आई है और लोग इससे बहुत बुरी तरह से परेशान है। आज भी इसने कम से कम 3-4 बच्चों के साथ मारपीट कर ली है। आप इनको तत्काल प्रभाव से हटाइए, आज ही इसके निर्देश जारी करिए और तत्काल प्रभाव से हटाइए आप। हाँ, नहीं चाहिए यहाँ पे, आप इसको तत्काल प्रभाव से हटाइए। कुछ लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, दो तीन मांगे हैं। तो जिलों में भी इस तरह की शिकायत आई है कि बाढ़ के कारण की नुकसान हुआ है। स्कूल में भी ये कहकर कि आप ये रूम में आ रहे हो, ये कुछ आ रहे हो, इसके कारण उनको जो है मुआवजा राशि नहीं मिली है ना। और ये लगातार इनकी ये मांग है कि भाई इनकी जो इनको कहीं ना कहीं जो नदी किनारे बसे हैं उनको प्लॉट दे करके इनको पुनर्वास इनका पुनर्वास किया जाए, ये मांग भी लगातार ये लोग कर रहे हैं। ये हमारा खल बुजुर्ग और खल टाका भी नहीं, हम लोग मैं इसीलिए मैं सबके साथ ही बैठा हूँ, मैंने ये इसीलिए आपको फोन लगाया है कि भाई आपकी तरफ से आश्वासन होना चाहिए और जो भी इनका नुकसान ही हुआ है, चाहे पशुधन का नुकसान हुआ है, चाहे घर का नुकसान हुआ है, जो सामान का नुकसान हुआ है, उसका व्यवस्थित बकायदा एक एक घर जा करके, ऐसा नहीं फॉर्मेलिटी आप पटवारी आकर के फॉर्मेलिटी करके चले जाए, एक एक घर में जा करके बैठ करके जाँच करके जो प्रभावित है उससे बात करके और जो सर्वे हुआ है उसकी रसीद फाड़ करके जो है उसको प्रभावित को देना है, कॉपी उसको देना है जो भी सर्वे में नुकसान का आया है और कुछ। दादा, ये जो मकान डूबा हुआ ये आपका आएगा? हाँ। अच्छा, क्या नुकसान हुआ इसमें? अरे इसमें भूसा बहुत ज्यादा था। और दूसरा घरेलू सामान भी था क्या? नहीं, घरेलू सामान तो सब निकाल लिया था, बाकी ये तुम्हारा भूसा जानवरों का खाने का चारा था, बिल्कुल कहीं भी नहीं बचा। मकान भी खत्म हो गया? और क्या है आसपास, सब ये खत्म हो गए? ये तो सब खत्म हो गए, इनके तो मकान फकान सब दीवार फेवाल सब निकल गई। ये शासन प्रशासन की तरफ से कोई आया था क्या? नहीं, तो यहाँ कोई भी नहीं आया, पुलिस वाले आए थे बस, हटाओ मकान और वापस चले गए। अच्छा, कुछ व्यवस्था करी आपने? नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। दिलीप पटेल के या पवन पटेल का नाम से रोटी आई तो बच्चे उन्होंने खाई। अच्छा, क्या नाम है आपका? भूरे सिंह। परेशान हो रहे बेचारे, हमारे लोगों ने ट्रैक्टर लगा लगा के लोगों के सामान निकलवाने का काम करा है रात भर, पूरा रात के 2-2, 3-3 बजे तक सबके घरों से सामान निकलवाए। ये तो ईश्वर की कृपा है कि कोई जनहानि नहीं हुई हमारे। सर, धन भाई कोई भी नहीं गया है, कोई भी नहीं गया।
डोगरी में बैठे हरिजन अपने यहाँ पे, ठीक है, उनको कोई भी निकालने का तैयार नहीं हुआ, ना सरपंच आया ना वो दूसरा सरपंच आया बेचारे मुकेश, कम से कम सुना जा रहा। सुनो, अभी अति वर्षा के कारण हमारे क्षेत्र में भारी संख्या में लोगों का नुकसान हुआ है, जान माल का भी नुकसान हुआ है, लोगों के लोग कई लोग जो है बेघर हो गए हैं, लोगों के पास खाने की व्यवस्था नहीं है, लोगों की जो जीवन भर की जो कमाई थी वो कमाई जो है इस बाढ़ में बह गई है। ऐसे समय में शासन प्रशासन को, लोगों को उम्मीद थी कि शासन प्रशासन आकर के उनकी मदद करेगा, उनको राहत देने का काम करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा जो उनको दो वक्त की रोटी जो मिलनी चाहिए समय पर, वो दो वक्त की रोटी भी उनको नहीं मिल पाई है। जब उन्होंने अपनी ये विरोध उनने अपना प्रदर्शित किया तो यहाँ के जो थाना चौकी प्रभारी हैं उनने उनके साथ में बदतमीजी करी, दो तीन लोगों के साथ हाथापाई करी, उनकी उनकी भावनाओं को समझने के बजाय, उनकी आवाज़ को समझने के बजाय उनके साथ दादागिरी और बदसलूकी का काम उन्होंने करा है, और उसी से आक्रोशित होकर के हमारी माता बहनों को मजबूर होकर के इतना बड़ा कदम उठाने पड़ा है। आज हम उनके बीच में आए हैं, उनकी जो जायज़ मांगे हैं कई समय से जो है, उनके जो नदी किनारे हमारे जो माता बहनें जो परिवार बसे हुए हैं उनके पट्टों की उनके पुनर्वास की मांग है, उनकी जो अभी उनकी नुकसानी हुई है वो नुकसानी का पूरा पूरा जाकर के जायजा एक एक घर में जाकर के बैठ करके उनसे साथ चर्चा करके मुआयना करके उनकी जो नुकसानी हुई है उसका पूरा पूरा आकलन हो, उसका सर्वे हो, और सर्वे होकर के उनको उचित मुआवजा मिले, उचित राशि उनको मिले, ये हमारे माता बहनों की मांग है। प्रशासन अभी क्या व्यवस्था कर रही है इनकी? अभी तक तो उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं करी है, अभी हमने तहसीलदार साहब को निवेदन करा है, कई लोग कल रात से जो है, कई ऐसे परिवार हैं, कई छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जो है अभी तक भोजन नहीं मिल पाया, खाना नहीं मिल पाया, लगातार जो है हमारे साथी यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, प्रशासनिक लोग थे, उनसे भी उन्होंने संवाद करने की कोशिश की, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला है। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर जो स्थिति निर्मित हुई है, यहाँ का जो प्रशासन था उस प्रशासन की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमी हमको देखने को मिली है। आज हमके हमारे माता बहनों के बीच में आए, हमने उनको आश्वस्त करा है कि सारी बातें हमने अभी जो है कलेक्टर साहब को भी हमने नोट कराई है, SP साहब को भी सारी हमारे जो माता बहनों की मांग थी वो हमने उनको उसका उल्लेख हमने उनके उनके साथ में करा है, और आज इस आश्वासन पे कि समय पर जो है इनका सर्वे होकर के जो भी इनकी मांगे हैं वो मांगे पर उनको पूरा किया जाए, और उनको जो है सारी व्यवस्था स्थापित करने का काम शासन प्रशासन करके दे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।